Hello students, I welcome you all to my channel. So I am here with you for the chapter 16, Management of Natural Resources, video part 2. So in our previous video we have studied that how sustainable development has importance in our life and why do we need to preserve our natural resource, what are the steps that we can implement in our life to save our natural resources. So today we will recap some of the concept and then we'll proceed towards the today's topic. So in sustainable development is too much important because it meets current basic needs while preserving resources for need of future generation. क्योंकि वो अभी की जो basic need है students उसको हमें fulfill करना है, पर ऐसे fulfill करना है कि वो next generation के लिए बाकी रहे. ऐसा नहीं कि हमने इतने ज़्यादा resources use कर लिए कि नेक्स्ट जनरेशन है वो यूज़ ना कर पाए. इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं. तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले वो देखेंगे व्हाई देयर इज़ अ नेसेसिटी टू मैनेज अवर रिसोर्सेज. सेकंड थिंग हम वो देखेंगे कि अगर फॉरेस्ट है वो चले गए तो कौन सी सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगी. थर्ड हम ये देखेंगे हु आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट, और उसके साथ वो भी समझेंगे कि स्टेक होल्डर्स वर्ड का मीनिंग क्या है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्स, दे आर नॉट अनलिमिटेड बट ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. देखिए स्टूडेंट्स, रिसोर्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं जितने रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है. ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्स तो कॉन्स्टेंट लेवल पे है. तो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो रिसोर्स का यूज़ बढ़ेगा, तो धीरे 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 रिसोर्स है वो कम होता है होता जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैनेज करना इंपॉर्टेंट है. सेकंड पॉइंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव इम्प्रूव्ड विच हैव इंक्रीज द लाइफ स्पेन ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही अच्छी हो गई है साइंस के कारण. तो पहले अगर आज से 100 या 200 साल पहले एक पर्सन का एवरेज लाइफ स्पेन 40 to 45 ईयर्स था, तो अभी बढ़ के 55 to 65 ईयर्स का हो गया है क्योंकि अभी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल है. तो जैसे ही पॉपुलेशन का लाइफ स्पेन बढ़ा तो रिसोर्स का यूज़ बढ़ जाएगा, इसलिए मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट, वी मस्ट मैनेज रिसोर्स सो दैट इट लास्ट फॉर जनरेशंस एंड वी मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट द रिसोर्स फॉर आवर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स. हमें अभी के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए हमें रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए. हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही ज्यूडिशियसली यूज़ करना चाहिए. फोर्थ वन, इट मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर डन प्रॉपरली. मतलब कि सभी रिसोर्स का एक्सेस सभी क्लास के पीपल को मिले. सुनना स्टूडेंट, सभी रिसोर्स का एक्सेस सभी क्लास के पीपल को मिले. मतलब कि सभी क्लास के पीपल मतलब क्लास वन क्लास टू ऐसे नहीं, लोअर क्लास मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, सिर्फ पावरफुल पीपल है उनको ही थोड़े रिसोर्स का एक्सेस मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए. रिसोर्स मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड विदाउट कॉसिंग डैमेज टू एनवायरनमेंट. रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कीजिए आप लैंड में से, पर उसमें एनवायरनमेंट में कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए. एग्जांपल, माइनिंग कॉजेज लैंड पोल्यूशन बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ स्लैग आर डिस्कार्डेड. क्योंकि उसके ऊपर स्लैग है वो फेंका जाता है. लैंड पोल्यूशन कैसे होता है, जहाँ पे भी माइनिंग होता है स्टूडेंट्स उसमें टन, एक टन मतलब 10,000 kg होता है, टन्स ऑफ वेस्ट आर डिस्पोज इन एनी ऑफ द रैंडम लैंड एंड दैट रैंडम लैंड विल बी क्रिएटिंग अ वेरी लेस फर्टिलिटी और विल बी इम्पार्टिंग वेरी लेस फर्टिलिटी टू द सॉइल एंड दैट लैंड विल टर्न इनटू बैरन लैंड एंड एट लास्ट इट विल रिजल्ट इनटू अ वेरी डेंजरस इफेक्ट दैट इज डेजर्टिफिकेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए लैंड पोल्यूशन नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज नेसेसरी. आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायो का मतलब नेचर, डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो नेचर के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे, फॉरेस्ट में मिलेंगे, इसलिए उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोला जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे जाते हैं. उसमें फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट, ट्रीज, हर्ब्स, मेडिसिंस, कई सारे टिम्बर, ये सब कुछ फॉरेस्ट में होता है. ठीक है ना स्टूडेंट, इसीलिए तो इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है. छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म सब कुछ हमें फॉरेस्ट से मिलता है, या फिर फॉरेस्ट से ही ह्यूमंस हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है. लॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी कैन लीड टू इकोलॉजिकल दैट इज इकोसिस्टम
इंस्टेबिलिटी, इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब जो इकोसिस्टम स्टेबल हैं, इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, हम भी आ जाते हैं, लैंड भी आ जाता है, एयर भी आ जाता है, सब कुछ जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है, सब का इकोसिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे अभी हो रहा है, कहीं पे भी फ्लड आ जाता है, ठीक है, कभी भी अर्थक्वेक आ जाता है, ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है, द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ और टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स फॉर देयर पर्पस इज नोन एज स्टेक होल्डर्स। मतलब ये उनकी देखभाल करते हैं या तो, या फिर वो उसके ऊपर इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि उसका कोई पर्पस है, उसका कोई मोटिव है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, उसका कोई मोटिव है, उसका कोई पर्पस है, इसलिए वो स्टेक होल्डर गिना जाएगा कि जो उसकी देखभाल कर रहा है, या फिर उसका कोई पर्सनल मोटिव है इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी वजह से उसको स्टेक होल्डर्स बोला जाएगा। तो ये स्टेक होल्डर्स किसके लिए हम देखने वाले हैं आज, आज हम फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स क्यों लिखा है स्पेसिफिकली, क्योंकि टेक्स्ट बुक में फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स के बारे में बोला गया है। तो इसमें कौन गिना जाएगा, सबसे पहले जो व्यक्ति फॉरेस्ट के अंदर रहते हो या फिर उसके आसपास रहते हो और वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो, क्यों, क्योंकि वुड चाहिए उनको, हर्ब्स चाहिए, फूड चाहिए, इसकी वजह से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये सभी पर्संस जो वहाँ पे रहते हैं और उसके अराउंड रहते हैं उसको फर्स्ट स्टेक होल्डर्स बोला गया है। सेकंड स्टेक होल्डर है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला गया है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनके पास लैंड है, उनके पास रिसोर्स का कंट्रोल है, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये सब आते हैं। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जो टेंडू लीव्स का यूज़ करते हैं, इसका टेंडू लीव्स का यूज़ करते हैं जिससे बीड़ी बनती है, जो स्मोकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, लीव्स जिसका यूज़ पेपर मिल्स में होता है, उसको इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कई ढंग से ये लीव्स का यूज़ करते हैं, पेपर बनाने के लिए हो सकता है, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए भी हो सकता है, कुछ भी पर्पस के लिए, टिम्बर जो यूज़ करते हैं, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो थर्ड स्टेक होल्डर से आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। फोर्थ है वो वाइल्ड लाइफ है नेचर एंथुसियास्ट, मतलब कि जो भी एक्सपीडिशन करने जाते हैं, नेचर के लवर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको नेचर बहुत ही पसंद है, वो सब को हम भी स्टेक होल्डर्स बोला गया है, जिसको नेचर को बचाना है और उसको एक्चुअल फॉर्म में लेकर आना है, उसको भी स्टेक होल्डर्स बोला गया है। तो होपफुली आपको चारों चार स्टेक होल्डर्स समझ में आ गए होंगे, द पर्सन हु लिव्स इन और हु स्टेज अराउंड टेक्स केयर ऑफ, सेकेंड इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हु ओन्स द लैंड एंड हु हैज कंट्रोल ऑफ द रिसोर्स, थर्ड इज इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैव देयर सेल्फिश मोटिव्स इन ऑर्डर टू अर्न बिग प्रॉफिट्स, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्स इन अ मैक्सिमम वे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट अ वेरी गुड स्टेक होल्डर दैट इज वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट हु ऑलवेज ट्राइज टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट इन अ प्रिस्टाइन फॉर्म। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।